Ciao. हेलो फ्रेंड्स, मैं कल्पना आप सभी का स्वागत करती हूँ सान्या गार्डनिंग चैनल में। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को ऐसे हैंगिंग बास्केट्स के प्लांट के नाम बताने वाली हूँ जिन प्लांट्स की जो कटिंग है वो एक हफ्ते या 10 दिन के अंदर चलने लगती है और वो जो कटिंग्स हैं वो बहुत ही जल्दी ग्रो हो जाती है। मतलब आपने अगर उसकी कटिंग को लगाई तो वो जो कटिंग्स होती हैं वो एक हफ्ते के अंदर ही उसमें ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी, उसमें रूट्स आने लगेंगे, उसकी जो लीव्स हैं वो डेवलप होने लगेंगे। फ्रेंड्स, हैंगिंग बास्केट के जो प्लांट्स होते हैं वो छोटी जगह पे भी आप उसको अच्छे से डेकोरेट कर सकते हैं। अगर छोटी भी जगह जैसे बालकनी गार्डनिंग करना चाहें या फिर इंडोर भी अगर आप गार्डनिंग करना चाहते हैं तो जो हैंगिंग बास्केट के प्लांट होते हैं वो ज़्यादा स्पेस भी नहीं लेते और कम स्पेस में ही बहुत ही अच्छे से ग्रो होने लगते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आपको 10 ऐसे हैंगिंग बास्केट के प्लांट्स के नाम बताने वाली हूँ जिनकी कटिंग बहुत ही जल्दी ग्रो हो जाती है। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट नंबर पे है ये देखिए स्पाइडर प्लांट। स्पाइडर प्लांट आई थिंक जितने भी हैंगिंग बास्केट लवर्स होते हैं उनको सबसे ज़्यादा ये जो प्लांट होता है ये सभी को बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। इसके जो ये पप्स होते हैं आप इन पप्स को भी कहीं पे भी लगा देंगे तो ये बहुत ही जल्दी ग्रो हो जाते हैं। ये देखिए इसके जो पप्स हैं इस तरह से होते हैं और इसके पप्स भी बहुत ईजिली लग जाते हैं। और जो ये प्लांट है इसमें छोटे छोटे से बल्ब्स होते हैं अंदर, आप उनको भी अगर कहीं लगा देंगे तो ये बहुत ही जल्दी ग्रो हो जाते हैं। फ्रेंड्स, ये देखिए मैंने इसमें इसके छोटे छोटे से पप्स, सिर्फ 2 पप्स लगाए थे और ये देखिए इसमें ग्रोथ स्टार्ट हो गई है। ये सिर्फ 1 हफ्ते के अंदर ही इसमें ग्रोथ स्टार्ट हो गई। तो आप भी इस तरह से स्पाइडर प्लांट को हैंगिंग बास्केट में लगा सकते हैं जो कि बहुत ही जल्दी ग्रो होने वाला प्लांट है। बहुत ही जल्दी बुशी हो जाता है, बहुत ही जल्दी इसमें रनर्स निकलने लगते हैं और ये प्लांट देखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगता है। फ्रेंड्स, सेकेंड नंबर पे ये मिंट लीफ का प्लांट। फ्रेंड्स, ये मिंट का प्लांट नहीं है, मतलब ये पुदीने का प्लांट नहीं है, लेकिन जो इसकी लीव्स होती हैं वो बिल्कुल पुदीने की ही तरह होती हैं और ये बहुत ही छोटी छोटी कटिंग से बहुत ही ईजिली ग्रो हो जाता है। फ्रेंड्स, जिसकी कटिंग जो इसकी जहाँ भी इसके देखिए रूट्स जो हैं जो मिट्टी में टच किए हुए हैं वो सभी जगह वहाँ पर इसके रूट्स निकल जाते हैं और रूट्स जहाँ भी निकले हैं आप बस वहाँ से थोड़ी सी कटिंग ले लीजिए और इसको ग्रो कर दीजिए। बहुत ही ईजिली ग्रो हो जाता है और बहुत ही जल्दी ये घना भी हो जाता है 1 हफ्ते के अंदर। ये देखिए इस प्लांट को मैंने छोटी सी कटिंग से ग्रो किया और ये बहुत ही जल्दी ग्रो हो गया। तो फ्रेंड्स, आप इस प्लांट को भी छोटी सी कटिंग से बहुत ही ईजिली ग्रो कर सकते हैं जो कि बहुत ही जल्दी ग्रो हो जाता है। फ्रेंड, थर्ड नंबर पे है ये टर्टल वाइन। टर्टल वाइन का जो प्लांट होता है ये बहुत ही ईजिली ग्रो हो जाता है, बहुत ही ईजी टू ग्रो प्लांट है। आप इसकी छोटी सी भी कटिंग कहीं भी लगा देंगे तो ये बहुत ही ईजिली ग्रो हो जाता है। फ्रेंड्स, इसकी जो कटिंग होती है उसी में ये देखिए रूट्स भी निकलने लगती हैं। ये देखिए थोड़ी थोड़ी दूर पे इसमें रूट्स निकली होती हैं जिनको आप बस थोड़ा सा तोड़ के और लगा लीजिए। लगाने के बाद ये बहुत ही ईजिली ग्रो हो जाती हैं और बहुत ही जल्दी ये आपके पूरे हैंगिंग बास्केट को कवर कर लेती हैं। ये सेमी सेड का प्लांट है, आप इसको सेमी सेड में रखेंगे तो इसकी जो लीव्स हैं वो पूरी ग्रीन हो जाएंगी। मैंने इस प्लांट को थोड़ा सा धूप में रख दिया था इसकी वजह से इसकी जो लीव्स हैं वो थोड़ी थोड़ी सी इस तरह से येलो हो रही हैं, लेकिन अगर आप इसे सेमी सेड में रखेंगे या इनडोर रखेंगे तो ये प्लांट जो है बहुत ही खूबसूरत लगेगा और बहुत ही हेल्दी ग्रोथ करेगा। फ्रेंड्स, नेक्स्ट है मदर ऑफ 1000 का प्लांट। ये तो वैसे भी बहुत ही ईजी टू ग्रो प्लांट है, आप इसको कटिंग से ग्रो करना चाहें तो कटिंग से भी ग्रो हो जाएगा या फिर ये देखिए छोटे छोटे से इसमें जो बेबी प्लांट्स निकले हैं ना आप इससे भी आप इसको ग्रो कर सकते हैं। ये देखिए जिस भी पॉट में गिरता है ये बहुत ही जल्दी ग्रो हो जाता है और बहुत ही ज़्यादा मात्रा में निकलता है और ये सर्कुलेंट फैमिली का, इसलिए देखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत भी लगता है। तो फ्रेंड्स, ये भी बहुत ईजी टू ग्रो है, आप चाहें तो इसकी छोटी सी कटिंग भी लगा देंगे तो भी ये बहुत ही ईजिली ग्रो हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आप इस प्लांट को भी बहुत ही ईजिली ग्रो कर सकते हैं। आप चाहे तो इसे पॉट में भी लगा सकते हैं या आप चाहे इसे हैंगिंग बास्केट में भी लगा सकते हैं। फ्रेंड्स, इसको मैंने हैंगिंग बास्केट में लगाया है इसलिए देखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट ये स्टोन क्रॉप का प्लांट। स्टोन क्रॉप के जो प्लांट्स होते हैं उसकी जो लीव्स होती है वो इस तरह से छोटी छोटी, इसका जो प्लांट होता है वो कुछ इस तरह से होता है और ये देखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है। ये भी एक सकुलेंट फैमिली का, ये भी बहुत ही ईजी टू ग्रो प्लांट है, आप इसकी भी छोटी छोटी कटिंग्स को लगा सकते हैं। फ्रेंड्स, ये देखिए जैसे ये प्लांट, फ्रेंड्स ये देखिए ये जो प्लांट है इसमें से टूट गया है, इसमें ये देखिए यहाँ से रूट्स डेवलप हो रही हैं तो इसकी जहाँ भी इसकी जो ब्रांच होती है वो सॉइल से टच होती है तो वहाँ से इसके रूट्स जो हैं वो डेवलप होने लगते हैं और उस बस वहीं से आपको इस तरह से निकाल लेना है और दूसरे पॉट में लगा देना है। जब हम इसे दूसरे पॉट में लगा देंगे तो ये बहुत ही ईजिली और बहुत ही जल्दी आप देखेंगे 1 हफ्ते के अंदर ही ये आपके पूरे पॉट को बहुत ही जल्दी कवर कर लेगा, इसमें न्यू न्यू ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, ये भी बहुत ईजी टू ग्रो प्लांट है और ये सकुलेंट फैमिली का है, इसलिए आप इसको इनडोर रख सकते
सकते हैं, और आउटडोर आप इसको विंटर्स में रखिए, लेकिन समर में आप इसको इंडोर रखिएगा, तभी ये अच्छे से सर्वाइव करेगा। ये देखिए, ये देखने में बहुत ही ज़्यादा इसकी खूबसूरत, इसके इस तरह से इसके जो लीव्स होती हैं वो कुछ इस तरह से देखने में लगती हैं। फ्रेंड्स, नेक्स्ट नंबर पे है सीडम। सीडम के जो प्लांट्स होते हैं ये भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं, और सीडम की बहुत सारी वैरायटी आपको देखने को मिलेगी। फ्रेंड्स, मेरे पास ये वाला सीडम है, और ये तो लीव से भी ग्रो होने वाला प्लांट है, और कटिंग से भी बहुत ईजिली ग्रो हो जाता है। ये देखिए कितनी जल्दी इसने पूरे ही पॉट को कवर कर लिया। छोटे छोटे अगर आपके पास पॉट्स हैं या फिर आपके पास जो बेकार कप्स भी पड़े हुए हैं, तो आप उसमें भी इन सभी प्लांट्स को ग्रो कर सकते हैं। ये कम कम जगह में ही बहुत ही ईजिली ग्रो हो जाते हैं, और इसे आप इंडोर रखेंगे तो ये पूरे ग्रीन रहते हैं और देखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं। समर में जितने भी आपके पास सकुलेंट्स हैं सभी को आप इंडोर रख दीजिए, या फिर सेमी शेड में रखिए, जहाँ पर उसे मॉर्निंग की सिर्फ 2-3 घंटे की धूप मिले, बहुत ज़्यादा धूप ना मिले, तभी जो आपके जितने भी सकुलेंट्स हैं वो अच्छे से सर्वाइव करेंगे। तो फ्रेंड्स, इस प्लांट को भी आप छोटी सी कटिंग से ग्रो करेंगे और देखेंगे एक हफ्ते के अंदर ही इस चीज़ की भी बहुत ही अच्छी ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी। फ्रेंड्स, नेक्स्ट नंबर पे है ये मनी प्लांट। मनी प्लांट की जितनी भी वैरायटीज होती हैं आप उनको बहुत ही इजीली एक सिंगल सिंगल लीव से ही ग्रो कर सकते हैं। अगर आपको एक बड़ी सी ब्रांच मिल जाए तो आप उसमें से सिंगल सिंगल लीफ निकाल के बहुत सारी कटिंग्स को ग्रो कर सकते हैं, या फिर आपको अगर एक सिंगल लीफ भी मिल जाएगी तो भी ये बहुत ही ईजिली ग्रो हो जाता है। तो फ्रेंड्स, आप इसकी भी सिंगल सिंगल आप चाहें तो लीव्स को कट करके आप किसी भी पॉट में या नॉर्मल गार्डन सॉइल में ही आप इसको लगा दीजिए, बहुत ही ईजिली ग्रो हो जाएगा। इसके लिए आपको कोई स्पेशल कोई सॉइल लेने की ज़रूरत नहीं है, ये पानी में भी बहुत ही ईजिली ग्रो हो जाता है। तो फ्रेंड्स, मनी प्लांट जो है ये 10 से 15 दिन के अंदर इसकी जो कटिंग होती है वो ईजिली चल जाती है, और इसमें न्यू ग्रोथ जो है वो स्टार्ट हो जाएगी, और बहुत ही जल्दी ये भी जो हैंगिंग बास्केट्स होते हैं उनको बहुत ही जल्दी कवर कर लेता है। तो फ्रेंड्स, आप इसकी भी कटिंग को ईजिली लगा सकते हैं। फ्रेंड्स, नेक्स्ट नंबर पे है वंडरिंग जीव। वंडरिंग जीव भी बहुत ही खूबसूरत हैंगिंग बास्केट का प्लांट है, आप इसको भी छोटी छोटी कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। जिस तरह से मनी प्लांट में थोड़ी थोड़ी दूर पे रूट्स निकले रहते हैं, उसी तरह से इसमें भी थोड़ी थोड़ी दूर पे ही रूट्स निकले रहते हैं। आप बस वहाँ से कटिंग को कट कर लीजिए और किसी भी सॉइल में बस दबा दीजिए, बहुत ही जल्दी ये बहुत ही अच्छे से ग्रो होने लगता है। ये ऐसा प्लांट है, अगर आप इसको इंडोर चाहें तो इंडोर भी आप इसको ग्रो कर सकते हैं, आउटडोर भी ग्रो कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा धूप ना हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा धूप होने पर ये जो प्लांट है इसकी लीव्स जो हैं वो जलने लगती हैं, लेकिन ये थोड़ा सा जो धूप होती है उसको थोड़ा सा सर्वाइव कर लेती है, अच्छे से ये ग्रो हो जाता है। तो ये भी हैंगिंग बास्केट का बहुत ही खूबसूरत प्लांट है, ये भी बहुत ईजी टू ग्रो प्लांट है, एक हफ्ते के अंदर इसकी भी कटिंग चल जाती है और ये प्लांट बहुत ही जल्दी बुशी हो जाता है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट नंबर पे सिंगोनियम का प्लांट। सिंगोनियम की भी जो कटिंग होती है पानी में और सॉइल में दोनों में बहुत ही ईजिली ग्रो हो जाती है। ये सिंगोनियम में बहुत सारी वैरायटीज़ में आता है, कुछ की लीव्स जो होती हैं वो छोटी होती हैं, और बहुत सारे कलर में भी आता है, वो बहुत सारे कलर में सिंगोनियम के प्लांट आते हैं। तो आप इन्हें भी आप चाहें तो हैंगिंग बास्केट में ग्रो कर सकते हैं या फिर पॉट में भी ग्रो कर सकते हैं। फ्रेंड्स, हैंगिंग बास्केट में जब हम इसे ग्रो करते हैं तो भी इसकी कटिंग बहुत ही जल्दी ग्रो हो जाती है, आपको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इसको ग्रो करने में, एक हफ्ते के अंदर इसमें बहुत अच्छे से रूट्स डेवलप हो जाती है। आप इसकी कटिंग ले लीजिए और उसको पानी में भी ग्रो कर सकते हैं या फिर हैंगिंग बास्केट में भी लगा देंगे तो भी ये बहुत ही ईजिली और बहुत ही जल्दी ग्रो हो जाएगी। फ्रेंड, 10th नंबर पे ये हमारा बेबी टीयर्स का प्लांट। बेबी टीयर्स के जो प्लांट होते हैं ये भी छोटी छोटी कटिंग से बहुत ही ईजिली ग्रो हो जाते हैं, आप इसकी भी कटिंग को लगा देंगे तो एक हफ्ते के अंदर ये सारे जितने भी मैंने प्लांट्स के आपको नाम बताए हैं, सभी जितने भी प्लांट्स के नाम हैं, सभी प्लांट्स जो हैं वो एक हफ्ते के अंदर उनकी कटिंग्स ग्रो हो जाएंगी और बहुत ही खूबसूरत इसके जो प्लांट्स हैं वो देखने में लगते हैं। देखिए, पूरे ही पॉट को इसने कवर कर लिया है, आप चाहे तो हैंगिंग बास्केट में लगाएं या फिर आप इस तरह से इसको पॉट में भी लगा सकते हैं। फ्रेंड्स, जितने भी मैंने प्लांट्स के आपको नाम बताएं, आप इन सभी प्लांट्स को इंडोर रख सकते हैं या फिर अगर आप आउटडोर भी रखते हैं तो ऐसी जगह रखिएगा जहां पर सरफेस मॉर्निंग की 3-4 घंटे की धूप मिले, तभी आपके जो प्लांट्स हैं वो अच्छे से सर्वाइव करेंगे। तो फ्रेंड्स, मेरा आज का वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। थैंक यू।